ओहो ड्राइव करते वक्त सारी लेन्स मेंशन होती है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। हमें लेफ्ट वाली एग्जिट पे जाना है, इसी लेन में रहा है। एंड अभी हम एचओवी एग्जिट पे हैं, तो इसी कारण वी आर ऑन द फास्टेस्ट लेन। सो दिस इज एचओवी लेन। एंड एचओवी लेन की रिक्वायरमेंट यही होती है कि अगर कार में दो जाने से ज्यादा है देन यू कैन टेक दिस लेन एंड रीच द डेस्टिनेशन फास्टर। ये इस कारण बनाई गई है टू मोटिवेट कारपूल, ताकि हम कारपूल करके। अगर कोई इंडिया से देख रहा है उसे पता नहीं कारपूल क्या है। कारपूल इज बेसिकली कि जब तुम गाड़ी में ज्यादा बंदे भर के लेके जाते हो। हाँ, exactly. पूलिंग या तो पर अच्छी बात है, मुझे लगा तीन लोग चाहिए मतलब कार पूलिंग के लिए, बट टू आर इनफ फॉर कार पूलिंग। सो ये है एचओवी एग्जिट, दिस एंड्स हियर। और यहाँ पे जॉर्जिया पीच पास रिक्वायर्ड है, तो $20 का आता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट बी इन द फास्टर लेन फ्रॉम नाउ। सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर हियर एट जॉर्जिया डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइविंग सर्विसेज। यहाँ पे रोड टेस्ट के लिए आए हैं फॉर अ न्यू स्टूडेंट श्रेष्ठ, मतलब 2021 के लिए न्यू स्टूडेंट, मतलब आई थिंक ही हैज बीन हियर फॉर 2 इयर्स, पर टेक्निकली फर्स्ट टाइम रोड टेस्ट। मतलब वीडियो में न्यू स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ कि उन्हें कभी ना कभी रोड टेस्ट देने होगा। तो फर्स्ट स्टेप होता है आपको वहाँ पे जाके रिटन एग्जाम टेस्ट देना होता है, जिसमें MCQ क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, 20 होते हैं साइन के ऊपर, राइट? कौन से होते थे साइन पे होते हैं, एंड देन बेसिक रूल्स की ऐसे टाइप के लेन्स हैं तो तुम्हें क्या तुम क्रॉस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, लेकिन इतने इजी होते हैं कि तुम आई थिंक 1-2 घंटे के प्रैक्टिस में क्लियर कर लो। हाँ, सो जो टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वी विल लीव देम इन द डिस्क्रिप्शन, ताकि आप मतलब एक 4-5 मॉक टेस्ट दे दो। और अगर आप फेल हो जाते हो तो आप टेस्ट देने मत आना, क्योंकि आपसे नहीं होगा। नहीं, कॉन्फिडेंट रहना, हो जाएगा। हाँ, टोटली। अभी मैं आपको रूल्स दिखाऊंगा कि जो आपका रोड टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होने वाला है। एक बार ये लोग प्रैक्टिस करना खत्म कर दे, सो पीपल आर हियर टू प्रैक्टिस। तो आप क्या कर सकते हो, लाइक यू ऑल कैन कम ऑन संडे, क्योंकि संडे को और मंडे को क्लोज होता है। तो पर ये टेस्टिंग साइट पे आप प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हो, मतलब आप रोड टेस्ट नहीं दे पाओगे पर प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना फ्री में। सो आप यहाँ पे आओ, प्रैक्टिस करो। मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो आप रोड टेस्ट डायरेक्टली भी दे सकते हो, कि देर इज नो फीस टू टेक रोड टेस्ट, क्योंकि आपको सिर्फ अपने कार्ड के $20 देने होते हैं। प्रैक्टिस जितनी मर्जी बार करो, फेल जितनी मर्जी बार हो, इट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील है अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो आप नहीं कर पाओ क्लियर। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। नहीं, ये सही कह रहा है, बार बार करते रहो। हाँ, बार बार, जस्ट लाइक नेवर गिव अप। सो अभी वी आर जस्ट वेटिंग, हम थर्ड इन द क्यू है। यार ये BMW वाला भी आ गया यार, चल तो यार तू वहाँ पे आ यार। उससे पहले वो हमारी जगह ले, हम उसकी लेते हैं, मतलब जगह। यार वो BMW वाला पता नहीं चला कब आ गया यार, वो BMW है, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। उससे पहले BMW कैसे, करोला, एक और करोला भी आ गया यार। देयर आर सो मेनी पीपल हियर टू प्रैक्टिस ड्राइविंग, ओ माय गॉड। तो हम भी थोड़ा AC कम करता हूँ। सो वी गोना प्रैक्टिस पैरेलल पार्किंग, रिवर्स पार्किंग और बाकी जितने भी चीजें होते हैं टेस्टिंग क्लियर करने के लिए, मैं आपको सारी वहाँ पे जाके एक्सप्लेन करूँगा। BMW वाले अभी पैरेलल पार्किंग कर रहे हैं, सो आई थिंक दैट्स अ टीनेज बॉय। सो 16 साल के लोग यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। वी आर सो लेट इन द गेम, मैंने लाइसेंस बनवाया 22 की एज में, या 21 की एज में इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी शेष भी 21 में बनाना, मैंने 18 साल पे लाइसेंस बनवाया था। अच्छा, इंडिया में 18। हाँ, या सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस यार। बारी आ जा। हाँ, वो पैरेलल पार्क कर रहा है। हाँ, उसकी होगी पैरेलल पार्किंग, ठीक है, उसने कर ली सक्सेसफुली। देखो यार, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, कोन्स में करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, व्हेन यू आर इन रियल लाइफ इट इज डिफरेंट, नाउ इट इज इन सिमुलेटेड वर्ल्ड। कोन में, हाँ, फटी पड़ी है मेरी तो यार। कोन में यार इतने सिमुलेशंस होती है, कोन में एक कोन टच पर, एक बार टच हुआ आपके पता नहीं 10-15 कितने पॉइंट्स कट जाए। मेरे ख्याल से अगर दो बार तुमने कोन कुचल दिया तो उस पे चढ़ा के, तो फिर मुझे लगता अच्छा, तो पैसे देने होते होंगे। नहीं, पैसे नहीं देने होते, बस फेल हो जाओगे मेरे ख्याल। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी कार का जो नुकसान होगा दैट इज इनफ फाइन। हमारा टेस्ट भी यहीं पे होगा। और देयर इज वन मोर ट्रिक, कई बच्चे पूछते हैं कि अपॉइंटमेंट के लिए टाइम नहीं मिल रहा। सो हम एंटर कर रहे हैं वैसे ये रोड टेस्ट वाली जगह। अगर आपको अपॉइंटमेंट के लिए टाइम नहीं मिल रहा, यू इफ यू नॉट एबल टू सेट अप एन अपॉइंटमेंट, जस्ट कम देयर 7 AM। करना क्या है सर? हाँ, अब पहले पैरेलल पार्क कर यार, मैं बाहर निकलता हूँ तो ये हेल्प करता हूँ यहीं पे। हाँ, रुक, अब मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ उधर के। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे आपको पैरेलल पार्किंग करनी है, ठीक है? तो मैं तुझे रिकमेंड करूँगा कि
कार को पैरेलल पार्किंग वाली जगह से एज क्लोज एज पॉसिबल ला। तो शीशा खोल यार, शीशा खोल, मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो सीधा जा और पास आ, जितना पास आ सकता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए सीधा जा, सीधा जा, सीधा सीधा, नहीं होगी, नहीं होगी यार। He likes challenges. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मैंने पैरेलल पार्किंग इतनी बार की है, आई गॉट 97 इन माई रोड टेस्ट। तो कोई एक्सपीरियंस बंदा ही आपको बता रहा है। हाँ, थोड़ा पास आ, इधर डिस्टेंस कम कर, पहले ये डिस्टेंस कम कर, ये जो डिस्टेंस कोन्स और चल, कर ले ट्राई, कर ले ट्राई। और कैमरा यूज कर सकता है, ठीक है, सही कर रहा है, सही कर रहा है, जान दे जान दे, सही जा रहा है, सही जा रहा है। अब पूरा पूरा लेफ्ट, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, खुद करने दो उसे, सही कर रहा है। ओहो, बिल्कुल परफेक्ट पैरेलल पार्किंग, दो बार टर्न लिए और हो गई। दिस इज कॉल्ड स्किल। मैंने सही किया, दो टर्न में तुमने, थैंक्स, दो टर्न में पैरेलल पार्किंग कर ली तूने, इससे सही क्या हो सकता है? दो टर्न, एक टर्न इधर घुसने में, एक टर्न सीधा आने में, वो सीधा तो मैंने बस सही किया। हाँ, तो हाँ एक टर्न में कर ली फिर हिसाब से। हाँ, तो दिस वॉज परफेक्ट। अब यहाँ पे रिवर्स पार्किंग चला जा। हाँ, अब क्या करना है, सेम चीज करनी है, आगे जाएगा पीछे हो, क्या करना, ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, जान दे जान दे, टू गुड यार। तो भाई ठोकने नहीं, नहीं ठुकेगी, बिल्कुल सही जा रहा है। सही है, सो ही डिड नॉट टच एनी कोन, ऑल गुड, ऑल गुड। या खेल गए सही यार, सही खेल गए, ठीक है। सो अब टेस्ट क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे जाएगा ना, तेरा टेस्ट स्टार्ट होगा उस जगह से, वहाँ पे तुझे दो स्टॉप साइन दिखेंगे। इवन पार्किंग में भी इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप एट द स्टॉप साइन, चाहे कहीं भी हो, पार्किंग में हो, और यहाँ पे भी इंडिकेटर देना है तूने। अच्छा, मैं फेल हो गया, मतलब इससे पॉइंट्स कटेंगे। अर्पित ने भी यही किया था, बट ही पास्ड इट, उससे पॉइंट्स कटे, ही गॉट 80। पर हर जगह हर समय इंडिकेटर देना जरूरी है। और एक और चीज, जब तू रिवर्स कर रहा है, यू हैव टू लुक एट ऑल योर फोर आईज। एक ड्राइवर की चार आंखें होती हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर फोर, पीछे देखना, यहाँ 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 एंड यहाँ 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 एंड पीछे देख मुड़ के, एक दो तीन और पीछे मुड़ के भी देखना। हाँ, वो भी देखना। okay, अगर तू चारों नहीं देखेगा तेरे नंबर कट जाएंगे, मतलब सब चीजें रिवर्स करने वक्त। हाँ, और हर बार पार्किंग के टाइम हर बार इंडिकेटर देना, सो इट इज इम्पोर्टेंट, तब आपके आएंगे 100 पॉइंट्स। मतलब जैसे मैं पैल पार्क करूँ, मेरे को तब भी इंडिकेटर देना। हाँ, हर बार कि मैं इधर पार्क। हाँ, बिल्कुल, दोबारा कर ले। हाँ, बैक कैमरा यूज कर सकते हो पैरेलल पार्किंग में, अच्छा लगता है यूज करना, पता नहीं आदत नहीं है, आदत नहीं, पर कोन्स में यार थोड़ी दिक्कत होती है, पर तूने इतनी अच्छी कैसे कर ली यार, हाउ यू डिड इट टू वेल, जितनी प्रैक्टिस करनी कर ले। और नेक्स्ट चीज, बाद में क्या होगा, आपके साथ एक बंदा बैठेगा, अ पर्सन फ्रॉम द DDS सेंटर, वहाँ से DDS से बंदा आएगा, ही विल सिट विद यू एंड आपके साथ बैठ के आपको रोड पे लेके जाएगा, एंड देन ही विल गिव यू इंस्ट्रक्शन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जैसे लेफ्ट बोला उसी वक्त लेफ्ट इंडिकेटर देके टर्न लेना है, वो बोलेगा नहीं आपको, इस बार मैंने सही किया, इंडिकेटर दिया, इंडिकेटर दिया, सही दिया, सही दिया। हाँ, देख ले निकल जाएंगे कौन टकना से बाहर निकलने में, नहीं होगी। तो जब आप रोड टेस्ट एक बंदे के साथ बैठ के बाहर निकलोगे, मेक श्योर कि स्टॉप साइन पे रुकना है एंड सीट बेल्ट पहनी होनी चाहिए एंड फोन बिल्कुल ना यूज़ करना। मैं आई फॉरगॉट, पता क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, जब DDS मेरे साथ बैठ रही थी, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था क्योंकि मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, बट फोन चाहे जब तक आप कार में ड्राइवर सीट पे हो, एक बार भी फ़ोन नहीं निकालना, मेक श्योर दैट। जॉर्जिया हैज़ हैंड्स फ्री रूल, मतलब हैंड सीट बेल्ट लगा ले। हाँ, सीट बेल्ट, बाहर निकल रहे हैं, और वो देख वहाँ स्टॉप साइन, देखना थे वहाँ से तेरा रोड टेस्ट स्टार्ट होगा, देखना जाके, देखना देखो, दिखा देता हूँ, वो देखो वो स्टॉप साइन है वहां से,
मतलब वहां से निकलेगा तू तो घूम के वहां पे तुझे... मैं वहां से बाहर निकलूंगा वो... इसमें जाऊंगा। हाँ वो देख वो स्टॉप साइन दिखना ना वो रिवर्स स्टॉप साइन। ओके वो देख वो स्टॉप साइन है। हाँ तो अर्पित ने वो स्टॉप साइन तक मिस कर दिया था। शी गेव एन एक्सेप्शन, शी सेड कि आई विल नॉट। वो बंदे नाइस होते हैं। कैसे पता लगा? अच्छा तू साथ में बैठा था। हाँ मैं साथ बैठा था, यहाँ से पार्किंग से तू देख रहा था। हाँ यहाँ पार्किंग से निकला और स्टॉप साइन स्किप हो गया उससे। फोन नीचे कर। हाँ तो मेक श्योर कि इवन पार्किंग में स्टॉप साइन पर रुकना जरूरी है। स्टॉप मीन्स स्टॉप फॉर 3 सेकेंड्स। आप रोलिंग स्टॉप नहीं रुक सकते। रोलिंग स्टॉप मतलब आप चलते चलते 1 mph की स्पीड पर स्टॉप पर निकल रहे हो, बट यू हैव टू स्टॉप। स्टॉप मीन्स फुल स्टॉप। एंड अब आप ये पूछोगे अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है व्हाट टू डू, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हर DDS सेंटर सुबह 7:30 बजे खुल जाता है। आप उन्हें आके रिक्वेस्ट करो कि हाँ कि आई डोंट हैव एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट नवंबर तक अभी मिल नहीं रही है। सो टेल देम कि मुझे अगले हफ्ते ऑरलैंडो जाना है। सच बोलो, अगर जाना है कहीं इंपॉर्टेंट जाना है तो ही बोलो, एंड जस्ट टेल देम द ट्रूथ कि मुझे अर्जेंटली लाइसेंस चाहिए, एंड देन दे विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट। एंड आपको अगर आप टाइम पे आए हो सुबह 7 बजे देन दे विल लेट यू टेक द टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी लोकेशन है, मेरिएटा लोकेशन है। एक यहाँ पे भी टेस्ट दे सकते हो, यहाँ पे भी टेस्ट दे सकते हो, यहाँ पे भी टेस्ट दे सकते हो। सो यू हैव फ्रीडम टू गिव टेस्ट एट 3 places हियर। ठीक है पता? ओके एंड नाउ लेट्स डू अ सिमुलेटेड टेस्ट एज वेल। अब मैं तुझे बताऊंगा। सो टेक टेक अस टू दैट रोड। पार्किंग में था ना। अच्छा अगर हम मान लो टेस्ट के समय वो बंदा हमें जब बता रहा है कि ये करो, हम उसे ये बोलते हैं ड्यूड यू कम टू इंडिया आई विल टीच यू हाउ टू ड्राइव। अगर ऐसा बोल दिया मैंने तो कुछ हो जाएगा भाई? होगा, उसकी इंसल्ट नहीं करनी। अच्छा उसे कुछ भी बुरा लगे। अच्छा वैसा नहीं करना है ना। ठीक है जस्ट कंफर्मिंग। ठीक है अब I'll give you all the instructions. Okay. 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 Right. If you will not stop at the stop sign, they can fail you. Right. और बाकी rules में समझाता हूँ। Now, जैसे मेरे test वाले ने बोला था, turn right at the first red light. Yes, right here. Yeah. अच्छी बात है कि तूने confirm किया. And another rule, जब भी आप राइट टर्न लेते हो इट इज ऑलवेज यील्ड। सो यील्ड मीन्स अगर आप राइट टर्न ले रहे हो रेड लाइट पे या फिर देयर इज अ यील्ड साइन, दैट मीन्स यू हैव टू गिव द अदर कार जो लेफ्ट से राइट जा रही है अ राइट ऑफ वे। एंड आपको देखना पड़ेगा कि लेफ्ट वाली कार कोई आ नहीं रही, लेफ्ट से कोई आ नहीं रहा, तभी आप राइट ले सकते हो। तो राइट टर्न लेने वक्त आपको सिग्नल देखने की जरूरत नहीं, यू हैव टू लुक लेफ्ट एंड राइट। अगर कोई कार नहीं आ रही तो आप टर्न ले सकते हो। दैट्स द मीनिंग ऑफ यील्ड। तो अभी स्ट्रेस यील्ड कर रहा है, देख रहा है और देन राइट टर्न ले रहा है। अगर सिग्नल रेड हो ग्रीन हो इट डजंट मैटर ड्यूरिंग यील्ड। अब मैं ये बताता हूँ एंड वन मोर इम्पोर्टेंट रूल, जब ग्रीन लाइट दिखे इट इज यील्ड। अगर सामने से कोई नहीं आ रहा तो यील्ड है ना। नहीं ग्रीन लाइट पे भी यील्ड है। अगर लेफ्ट टर्न ले रहे हो तो अगर सामने से कोई नहीं आ रहा ग्रीन लाइट है then you can yield and then go left, नहीं तो कार रुक जाएगी। Okay. हाँ. Nice. मेरे को ये पता नहीं था, मेरे को अब पता चला है। हाँ. So, मतलब लोग सोचते हैं कि अगर ग्रीन लाइट है आप इजिली लेफ्ट ले सकते हो, पर कार रुक जाएगी। अगर सामने से कोई नहीं आ रहा तभी लेफ्ट लो, अनलेस एक स्पेशल साइन होता है लेफ्ट का, दैट इज लेफ्ट एरो, दैट मींस यू कैन गो लेफ्ट विदाउट यील्डिंग। सो बी केयरफुल। हाँ सही कह रहा है, मेरे को अभी याद आया। हाँ. Nice. तो यहाँ पे अगर ग्रीन लाइट है लेफ्ट जाना है, पहले देखो सामने से कोई नहीं आ रहा then take left, otherwise अगर left green arrow है then you can take left without yielding। अब yield करने की जरूरत नहीं है because green left है। ये flashing yellow में तो yield है। हाँ flashing yellow also means yield। तो आप सामने देख के कोई अगर आ नहीं रहा तो आप left turn ले सकते हो।